किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका। भाइयों आज हम आए हैं गांव मसूरी में पुष्पेंद्र भैया के यहाँ पे, और भैया ने जो जॉन डियर ट्रैक्टर लिया था उसका परफॉर्मेंस हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये जो है तो तहड़ पे चल रहा है, खेत की जुताई हुई। पहले जो है हमने कुबोटा MU 4501 चलाया था, इसने भी अपने हिसाब से अच्छा खींचा क्योंकि इसमें जो है फोर व्हील ड्राइव नहीं है। फिर हमने फोर व्हील ड्राइव पर चलाया तो फोर व्हील ड्राइव का जो है आगे वेट लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से फोर व्हील ड्राइव ने जो है और भी ज़बरदस्त खींचा। अब जो है परफॉर्मेंस आपके सामने होगी। भैया थोड़ा इसे और सेट कर रहे हैं। देख सकते हैं जॉन डियर कितने दमदार तरीके से खींच रहा है। तो ताड़ को ये भाइयों फोर व्हील ड्राइव का कमाल है। ट्रैक्टर की भाइयों जैसे फोर व्हील ड्राइव है उस हिसाब से बहुत ही अच्छी क्लियरेंस आती है और ड्राइवर जो है बिल्कुल भी नहीं थकता इस पर। भाई पहले के हाई में कर दिया आप, और ये देख लो दो बंदे भी खड़े कर दिए पीछे। ये देख सकते हैं भाइयों इधर जो है MU 4501 खड़ा है, पहले इस पर चलाया था फिर अब उस पर चला रहे हैं। भाइयों अब जो है फोर व्हील का गियर निकाल दिया और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है फिर भी अच्छे तरीके से खींच रहा है, ज़्यादा दब नहीं रहा बिल्कुल भी। अब लगा दो। अब भाइयों फोर व्हील ड्राइव लगा दिया। फोर व्हील ड्राइव लगते ही ट्रैक्टर एकदम खींच बढ़ जाती है, तो इसका मतलब जो है अब भाइयों नया जो है आगे का जो अब समय है वो फोर व्हील ड्राइव का ही रहेगा। तो भाइयों जैसा आपने देखा होगा कैसा चला, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भैया से लेंगे। तो भैया पहले तो आप किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दे दो। देखो जी नमस्कार जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, सन ऑफ कृष्ण पाल सिंह, गांव मसूरी, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भैया जैसा आपने अपने पास तो काफी ट्रैक्टर है, अब आपने ये चलाया तो तहल पे चलाया, हर पर उपकरण पे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अलग अलग हुए, तो अब आपका क्या कहना है? देखो जी फोर व्हील ड्राइव का ही फ्यूचर है जी। पहले जब मैं घर आता था तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मैसी 28 को बड़ा ट्रैक्टर या फिर 475 575 बहुत बड़े ट्रैक्टर आते हैं। हाँ जी, पर अब वो जमाना हट गया, 45 हॉर्स पावर नॉर्मल हो गया जी। अब 50 हॉर्स पावर में या 45 हॉर्स पावर में फोर व्हील ड्राइव जी, जो फ्यूचर है वो फोर व्हील ड्राइव का ही है। अब जैसे मैं उस पर चला रहा था तो उत्तल पाँच पाँच टू व्हील ड्राइव पे, तो तीसरे किलो में चल रहा था जी, उससे ज्यादा डेप्थ पे पहले के हाई में चल रहा है जी। तो तेल का एवरेज जुताई के हिसाब से उससे डेप्थ भी ज्यादा होगी और जुताई भी ज्यादा होगी जी, तो काम भी जल्दी होगा, तेल भी बचेगा, स्लिपेज कम हो जाएगा। जैसे मतलब आपने अभी फोर व्हील ड्राइव निकाल दिया था, 4x2 पे चलाया, तो मैंने देखा कि जैसे वो फांट ला रहा था 5 सेकंड में ला रहा था, फिर दूसरे फांट में आने में जो है मतलब 8 से 10 होगी। हाँ, तो मतलब इसका मतलब तो समय भी बढ़ेगा, टायरों की घिसाई भी बढ़ेगी और तेल भी खर्च ज्यादा होगा। एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्ट हो रही है स्लिपेज के फॉर्म। जी जी, फोर व्हील ड्राइव बैलेंस सही होगा और वो जोर बढ़िया लगेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से तो फ्यूचर 4x4 जी। ट्रैक्टर चाहे किसी कंपनी का हो लेकिन होना चाहिए 4x4 ही, वो अपनी चॉइस है, किसी को कुछ पसंद है। जी जी जी, तो भाइयों ये ट्रैक्टर जो है जॉन डियर का 50-50D है, फोर व्हील ड्राइव, और ये MU 45 4x2 है, इसमें भी शायद 4x4 आने लगा। इसमें पहले भी आ रहा है,
अच्छा पहले भी आ रहा है। मेरी ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जी कि मैं फोर व्हील ड्राइव लिया। अच्छा तो 4x2 की बजाय अगर आप फोर व्हील ड्राइव लेते तो ज्यादा। क्या पता इसकी जरूरत ना। अच्छा 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 तो भैया जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें। और भाइयों एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आप फोर व्हील ड्राइव लें तो आप अगले यहाँ पे वेट जरूर लगा। मैं ये ना सोचे जी कि बम्पर लगवा लिया एक कुंटल का सफिशिएंट है, बम्पर यहाँ खत्म हो जाता है जी। ये वेट जितना आगे होगा उतनी ही झोंक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी प्रेशर पड़ेगा जब ये फोर व्हील ड्राइव ये फिर कामयाब है, नहीं तो फिर ये भी कामयाब नहीं, स्लिप मार के तो हल्के से ऐसे होते ही उठ जाएगा, फिर स्लिप स्लिप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया भाइयों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करें। नमस्कार।